ये गांधीनगर में जेके बैंक की ब्रांच है, जहां पर अभी दो केसेस जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इस ब्रांच को जो है वो बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर टीम आई थी और उन्होंने रैंडम सैंपलिंग यहां पूरी जितने भी अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी की है, और उसके बाद जो टेस्ट सामने आया है, जो रिपोर्ट सामने आया है, उसमें दो इस ब्रांच के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और उसके बाद इस ब्रांच को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और जो भी लोग आज या एक दो दिन पहले भी यहाँ इस ब्रांच में विजिट किए होंगे, जो कस्टमर यहाँ के होंगे, आए होंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि वो भी अपना टेस्ट ज़रूर करवा लें, क्योंकि हर एक के लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है, यहाँ भी जो भी आया होगा कि उनका टेस्ट होना ज़रूरी है। ये गांधीनगर ब्रांच है गोल मार्केट में, और यहाँ की हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पोस्टर भी ये देखिए आप लगा भी दिया है कि ब्रांच क्लोज फॉर सैनिटाइजेशन फॉलोइंग कोविड केसेस इन द ब्रांच। अब इनको सैनिटाइज किया जाएगा पूरी ब्रांच को, जितने और भी एम्प्लॉयज़ हैं फिलहाल उनके भी टेस्ट लिए गए थे, लेकिन जो रिपोर्ट आई है, जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, वो बताया जा रहा है कि दो ही एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अभी ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले हमने बताया आपको कि जो डोगरा चौक में रमाड़ा का जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा शोरूम है, जो होटल है, उसके नीचे जो आउटलेट्स हैं पेंटलून के, और साथ ही बात की जो ट्रेंड का आउटलेट है वहाँ पर भी केसेस सामने आए, वहाँ की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और केसेस आने के बाद उस ब्रांच उस पूरे आउटलेट को, दोनों को दो दिन के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है, और वहाँ पर भी एक में 14 केसेस बताए जा रहे हैं एक आउटलेट में, और दूसरे में 4 केसेस बताए जा रहे हैं कि जो पॉजिटिव आए हैं, वहाँ पर भी रैंडम सैंपलिंग हुई थी। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पूरे भारत में 90,000 पॉजिटिव केस आए हैं, और लगातार कोशिशें की जा रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन तरफ की जा रही हैं, सरकार की तरफ से भी की जा रही है, कि हर एक का जो है रैंडम सैंपल जो है वो ज़रूर लिया जाए, ताकि जो अभी केसेस देखे जा रहे हैं, चाहे वो ओमिक्रॉन वेरियंट की बात की जाए या फिर जो कोविड का, क्योंकि ये वेरियंट है, और कोविड के केसेस की बात की जाए, तो उसको थामना, उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और उस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। कोशिशें हेल्थ डिपार्टमेंट भी यही कर रहा है कि हर एक जगह की जो है सैंपलिंग की जाए, और उसके बाद अभी भी बहुत सारे लोग, अगर जम्मू की बात की जाए तो पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं, नया साल भी उन्होंने बाहर जाके बुलाया, काफ़ी ज़्यादा जो इन्जॉय तो कर रहे थे, लेकिन दूसरी तस्वीरें अब जो सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं अब उस तरफ लेकर जा रही हैं, जैसा पहला मंजर हम देख चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा केसेस जो जब आए थे और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगा दी गई थी। अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शायद जिनको पता नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है ये पोस्टर, हर कोई पढ़कर नहीं जाता है, तो ज़रूरी है ये हर एक का जानना, जो भी ये न्यूज़ सुन रहा है ज़रूर ये बता दीजिएगा, आपके कोई भी यहाँ के जो कस्टमर हो, जो भी यहाँ पर आता हो, विज़िट करता है इस बैंक में, उनका अकाउंट है, तो ये ज़रूर बता दीजिए कि फिलहाल यहाँ पर विज़िट मत करिए, क्योंकि अभी ये ब्रांच जो है शायद कल के लिए भी बंद रहेगी, जब तक ये पूरी सैनिटाइज़ नहीं की जाती है ब्रांच अंदर से। और लोगों का ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी बाहर निकलते हैं हम मास्क नहीं पहनते, और बिना मास्क के ही हम बाहर घूम रहे होते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ पर हम ज़्यादातर जाते हैं, क्योंकि हमें कहीं शॉपिंग करने जाना है, कुछ करने जाना है, और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो शॉपिंग का आउटलेट था वहाँ पर, ट्रेंड्स का और आउटलेट का, वहाँ के क्या हालात है, वहाँ पर भी अगर किसी ने एक दो दिन में विज़िट किया होगा तो ज़रूर वो भी अपना रैंडम टेस्ट जो है या आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो ज़रूर करवा ले, क्योंकि अगर सिम्टम उनमें है तो ये आगे कहीं उनके परिवार को या किसी और की चपेट जो उनके साथ आए होंगे संपर्क में, वो इसकी चपेट में ना आ जाए। और हर एक व्यक्ति जो है, क्योंकि अभी लगातार ये देखने को मिल रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, और हर किसी को भी लगता है कि उसमें किसी तरीके का ऐसा सिम्टम है जो कोविड के इशारे करता है, कोरोना के इशारे करता है, तो ज़रूर अपना टेस्ट जो है वो करवा ले और इसको कंट्रोल कर ले, और अपने आप को आइसोलेशन में रख दे जब तक आपका टेस्ट जो है वो सामने नहीं आता है। और अगर नेगेटिव आता है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव आता है तो फिर अपनी केयर आप आइसोलेशन में ही करिए, और औरों तक भी ये मैसेज पहुंचाइए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अब उस तरफ जा रहे थे जहां पर लोगों अब केयरफुल, यानी कि अगर देखा जाए केयरलेस हो गए थे, वो केयरलेसनेस जो है अब सामने नज़र आ रही है, और अभी भी कोशिश की जा रही है लोगों की कि हम पत्नी टॉप जाएं, अगर आप जाना है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर हेल्थ पर कुछ हो गया, अगर पॉजिटिव हो गए तो भी आप ही पर ही सब कुछ जो है वो मुसीबत आने वाले समय में बन पड़ेगी। और अभी भी रिस्ट्रिक्शंस लगातार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाई जा रही है। अभी तक मैं आपको बात करूं तो जम्मू में अभी तक 130 केस जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं, और शाम तक शायद ये इसका आंकड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि लगातार रैंडम सैंपलिंग अलग अलग जगहों पर जो है हेल्थ की टीम जा रही है, उनको भेजा जा रहा है, वहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है।
फिलहाल ये आप तक पहुंचाना इसलिए भी ज़रूरी है, कहीं ना कहीं हम गैर जिम्मेदार ज़रूर हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ज़रूरी है तभी जाइए, शॉपिंग करने जा रहे हैं ज़रूरी है तभी जाइए, वरना अभी जो हालात अभी स्टार्ट हुए हैं जो पहले देखे जाते थे, कहीं ना कहीं ये उस हालातों तक ना पहुँच जाए कि अब नाजुक हालातों तक हम ना पहुँच जाए कि मुश्किलें हर एक व्यक्ति की जो है वो फिर से पहले जैसे बढ़ने को आ जाए और लॉकडाउन की स्थिति ना लग जाए, चाहे वो वीकेंड लॉकडाउन की ही मैं बात क्यों ना कहूँ। अभी ये हम गांधीनगर की ब्रांच जो है वहाँ के बता रहे थे वो क्लोज हो चुकी है, जो भी आए थे वो अपना टेस्ट जरूर करवा लें। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।